नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी IQ। मैं डॉक्टर रवि अग्रवाल स्टडियो के प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस सीरीज को हम लोग जुलाई मंथ से कंटिन्यू कर रहे हैं और अब हम इस एनवायरमेंट इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी के कंटेम्पररी इश्यूज में नवंबर मंथ पर आते हैं। नवंबर मंथ में ऐसा कौन सा टॉपिक है जो कंटेम्पररी इश्यूज से जुड़ा हुआ है, उसको लेकर हम आगे बढ़ते हैं। ये पूरा टारगेट जो है वो 2019 के एग्जाम्स के लिए है। जितने भी यूपीएससी के साथ साथ अलग स्टेट पीसेस एग्जाम आ रहे हैं, उन सारे एग्जाम्स के लिए ये करंट अफेयर इश्यूज होगा आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, या कह लीजिए आपके लिए मददगार होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं आपको उस वीडियो के शुरुआत में मैं आपको उन चैप्टर्स के नाम बताता हूँ जिन पे आधारित आपको टॉपिक्स पढ़ने होंगे, चाहे वो उसका बेसिक हो, चाहे वो उसका अप्लाइड हो, चाहे वो उसका करंट अफेयर इश्यूज हो। सो वो चैप्टर्स जस्ट 1 मिनट में बोल देता हूँ। पहला बेसिक्स ऑफ इकोलॉजी और इट्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, दूसरा जो जलवायु परिवर्तन है और जलवायु के डिफरेंट मानक हैं, क्लाइमेटिक पैरामीटर्स, तीसरा हम डिफरेंट इन्वायरमेंटल कॉन्फ्रेंस और समिट्स की बात करेंगे, चौथा डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडीज हैं, डिफरेंट लॉज हैं और एक्ट्स हैं, उन पर बात करेंगे। अगला जो यूनिट है जहाँ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट आता है, नेक्स्ट चैप्टर है पॉल्यूशन और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, नेक्स्ट बायोम्स, नेचुरल वेजिटेशन, फॉरेस्टिक रीजन, नेक्स्ट है दैट इज द जैव विविधता, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम इन इंडिया और मिसलेनियस टॉपिक्स, प्लस इसके साथ ही एक लिस्ट भी है जिस लिस्ट को भी हमें देखना होगा। सो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये PPT जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसका PDF मेरे फेसबुक पेज पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वहां से इसे सीधा डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप मुझे चाहें तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। यूनिट 4 गंगा ग्राम प्रोजेक्ट से लेके कंटेम्पररी इश्यूज है, और इसके पीछे एक बैकग्राउंड आपको बता दूं दोस्तों, जो गंगा रिवर है जिन एरिया से होकर गुजरता है, उनके अगल बगल का जो गांव है, जो ग्राम एरिया है, उनको गंगा ग्राम का एक डेजिग्नेशन दिया गया है। और ये बोला गया अगर उन गांवों को हम पूरी तरह से वहां का सैनिटेशन प्रोग्राम, वहां के इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड, इन चीज़ों को हम प्रॉपर तरीके से नियंत्रित कर लें, तो अगर इन्हीं के इफ्लुएंट जो होते हैं गंगा के पानी में जाते हैं, काफ़ी हद तक हम गंगा को दूषित होने से बचा लेंगे। तो यहाँ पर एक गंगा ग्राम प्रोजेक्ट है जिसका बैकग्राउंड मैंने आपको दे दिया है। गंगा ग्राम प्रोजेक्ट की बात करें दोस्तों, तो ये गंगा ग्राम प्रोजेक्ट जो है वो गंगा ग्राम स्वच्छता सम्मेलन है जो ऑर्गेनाइज हुआ था, जो छेवन ऋषि आश्रम है चौसा गांव जो कि बक्सर डिस्ट्रिक्ट बिहार में पड़ता है, वहां पर इसको ये ऑर्गेनाइज किया गया। और ये पूरी तरह से देखा जाए तो नमामि गंगा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ही है, और नमामि गंगा प्रोग्राम के अंतर्गत ही ऐसा कुछ किया गया है। ये मिशन जो है पूरी तरह से कि गंगा के वाटर को क्लीन किया जाए, साफ किया जाए, और यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से, इफेक्टिव तरीके से, प्रभावी रूप से हम उसको सफाई करेंगे। 5 ऐसे स्टेट्स हैं जो गंगा बेसिन से होकर कवर होते हैं, जिनमें उत्तराखंड आता है, उत्तर प्रदेश आता है, झारखंड आता है, बिहार आता है और पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल आता है। अब बात यह होती है कि हम यहाँ गंगा के वाटर को किस तरीके से ट्रीट करने वाले हैं। तो एक तो गंगा का जो सरफेस है, जो नदी का, उसको क्लीन करेंगे, वहाँ के जो सीवरेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उनको डेवलप करने वाले हैं, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट करने वाले हैं, साथ साथ जैव विविधता की सुरक्षा करने वाले हैं, अगल बगल फॉरेस्ट को बढ़ाने वाले हैं, और लोगों को हम जागरूक भी करने वाले हैं, यानी पब्लिक अवेयरनेस को भी हम बढ़ाने वाले हैं। यहाँ पर कौन कौन से ऐसे इम्प्लीमेंटेशन हैं उसके बारे में बात करते हैं। इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है इस कार्यक्रम का, इसको नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ओके, सेंट्रल लेवल की बॉडी, और प्लस स्टेट लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशन इसको मेंटेन कर रहा है उन स्टेट से होगा जिनसे गंगा जाती है, तो स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट ग्रुप, ये दोनों ही मिलकर गंगा की सफाई के लिए कार्य कर रहे हैं। ये पूरा जो क्लीनिंग प्रोग्राम है वो 3 टायर का है, 3 स्तर पे चलकर ये पूरा कार्य चल रहा है, जहाँ हम पूरी तरह से गंगा को मॉनिटर करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन कौन से हैं, पहला यहाँ पर देखें तो जो बड़े लेवल पर जो होगा वो सेंटर का जो कैबिनेट सेक्रेटरी होगा, वो नमामि गंगा जो मिशन फॉर द क्लीन गंगा है नेशनल लेवल पे काम करेगा, स्टेट लेवल पर चीफ सेक्रेटरी होगा जो इसके लिए काम करेगा, जो स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट ग्रुप का बॉडी होगा, और तीसरा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं। तो आप खुद देखिए, आपको एक काम और करने को मिला अगर आप कलेक्टर होते हैं तो, गंगा की सफाई के लिए भी आपको जो कमेटी बनाई जाएगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, उसके आप चेयरमैन होंगे या सीनियर अथॉरिटी होंगे। और पूरी तरह से यहाँ पर एक कोशिश और की जाएगी इस कार्यक्रम में कि एक कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म जो है एक दूसरे के लिए वो बढ़ाया जाए, और काफ़ी हद तक सेंट्रल स्टेट लेवल पे जो गवर्नमेंट सिस्टम है और मिनिस्ट्रीज हैं वो मिलजुल कर कार्य करें और गंगा को काफ़ी हद तक क्लीन किया जा सके।
अगला टॉपिक है कंटेम्पररी इश्यूज में, जो यूनिट 4 में मिलेगा आपको, एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्विंग सिस्टम एंड सर्विसेज, जिसको आप एक्रॉस स्कीम से नाम से जानते हैं। फिर से बोलता हूँ, एक्रॉस का पूरा नाम है एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्विंग सिस्टम एंड सर्विसेज। ये एक्रॉस है क्या, इसके बारे में बात करते हैं। कैबिनेट कमेटी ने इसका अप्रूवल दिया है। हमारा जो कैबिनेट कमेटी है, इसने एक अप्रूवल दिया है जहां पे कुल 9 सब स्कीम्स हैं जो एक्रॉस के अंदर लाए गए हैं, जो 17 से 20 के बीच चीजों को लागू किया जाएगा, प्रॉपर तरीके से इसको हम इन्फोर्स कर पाएंगे। तो एक्रॉस के अंदर कैबिनेट कमेटी ने कुल 9 ऐसे सब स्कीम को लेकर आया है जिनके द्वारा हम लोग एटमॉस्फियर में डिफरेंट तरह के रिसर्च, जागरूकता, वेदर की मॉनिटरिंग, बहुत सारे काम कर सकेंगे। आइए इसका बैकग्राउंड लेते हैं। इसका पूरा जो कार्य है, जो कार्य श्रृंखला है, उसको मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा मैनेज किया जाएगा, और वो डिफरेंट तरह के अनुसंधान, डिफरेंट तरह के जो विकास एक्टिविटीज हैं, जिसके माध्यम से हम लोग वेदर की आइडेंटिटी कर लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे, फोरकास्ट कर लेंगे, क्लाइमेट के बारे में जान सकेंगे, जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उनको समझ सकेंगे, वो कैसे होती, उनके सिद्धांत क्या हैं, किस तरीके उनके फिनोमिनाज हैं, किस स्टडी कर इनके बारे में पता चल सकेगा। एक्रॉस स्कीम के बारे में बात करें दोस्तों, तो एक्रॉस स्कीम जो है वो एक तरह से, पूरी तरह से एटमॉस्फेरिक साइंस प्रोग्राम है जिसको मैनेज करता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। यहाँ पर जो मैंने आपको पहले बताया, डिफरेंट तरह के वेदर फोरकास्ट और किसी भी तरह से उनकी चेतावनी हम आपको पहले देने की कोशिश करेंगे, किसी साइक्लोन की, किसी स्टॉर्म की, किसी हीट वेव्स की, किसी थंडर स्टॉर्म्स की, ताकि जनमानस को काफी हद तक नुकसान होने से बचा सके। यहाँ मैंने पहले ही बोला 9 सब स्कीम है इसके अंदर, जो डिफरेंट मल्टी डिसिप्लिनरी और मल्टी इंस्टीट्यूशनल अप्रोच लेकर आते हैं और जिनके द्वारा हम इनको सक्सेस करने की कोशिश करते हैं। स्कीम से फायदा क्या होगा, आपको सब कुछ पता चल गया। जनमानस की सुरक्षा कर सकते हैं वेदर वगैरह क्लाइमेट की स्टडी करके। यहाँ पर एक साइंटिफिक एक साइज है, मतलब एक साइजेबल नंबर ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल स्टाफ भी बढ़ाए जाएंगे, यानी कहीं ना कहीं इम्प्लॉयमेंट स्कीम दी जाएगी और इम्प्लॉयमेंट वगैरह बढ़ेगा। साथ साथ जैसे कृषि विज्ञान केंद्र ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज और लोकल म्यूनिसिपैलिटीज को भी इनसे कनेक्ट किया जाएगा, तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं इम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी होगी, लोगों की संख्या बढ़ाई जाएगी इसके थ्रू कार्य करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, फ्लाई ऐश के बारे में बात करते हैं, जो हमेशा कंटेम्प्रेरी इश्यूज में रहा है। फ्लाई ऐश में 2015 के प्रीलिम्स पेपर में यूपीएससी ने क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ भी लिया है। फ्लाई ऐश में मैं भी आपको पीछे कई बार वीडियोस में फ्लाई ऐश के बारे में बात कर चुका हूँ। फिर वही फ्लाई ऐश इस बार फिर इशू में रहा है। एनजीटी ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने साथ साथ बोला है कि अगर कोई थर्मल पावर प्लांट लगातार इन फ्लाई ऐश का डिस्पोजल ठीक से नहीं कर रहा है, फ्लाई ऐश जनरेट हो रहा है और उससे जो नुकसान हो रहे हैं उनके बारे में हम आपको आगे बात करते हैं, उनके लिए जो पेनल्टी काज होगा वो 5 करोड़ रुपए का होगा। तो थर्मल पावर प्लांट्स, यानी जहाँ कोयले जलते हैं, जिनके अवशिष्ट जो बचते हैं, जो वेस्ट बचते हैं, या उनका जो फ्लाई ऐश बचता है, वो फ्लाई ऐश हेल्थ के लिए, इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही खतरनाक है। अगर हम फ्लाई ऐश के बारे में बात करें तो फ्लाई ऐश हमारा एयर को भी और हमारा वाटर को भी, दोनों को प्रदूषित करता है, दोनों को दूषित करता है। यहाँ पर पूरी तरह से देखें तो ये क्रॉप की एक्टिविटी को भी प्रभाव डालते हैं, यानी अगर किसी गांव वगैरह में, किसी एरिया में फ्लाई ऐश की मात्रा ज्यादा है तो वहां पर वेजिटेशन यानी क्रॉप प्रोडक्टिविटी भी इफेक्टिव होती है। फ्लाई ऐश जनरली अगर देखें तो पॉल्यूशन किस तरीके से करते हैं, इनसे 2.5 पार्टिकुलेट मैटर्स जो साइज के होते हैं, जो बहुत ही छोटे होते हैं, और रेस्पिरेबल पॉल्यूटिंग पार्टिकल्स होते हैं जो समर में ज्यादा होते हैं और हमारी बॉडी के अंदर आकर हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं। ये जनरली 10 से 20 किलोमीटर तक का एरिया आसानी से ट्रांसपोर्ट कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं, यानी जहां पर चीजें निकलती हैं उनसे 10 से 20 किलोमीटर का आउटस्कर्ट एरिया जो होता है वहां पर इनका प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है। ये वाटर वगैरह में भी सीधे शटल हो जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, सर्फेस पे पहुंच जाते हैं। फ्लाई ऐश में हैवी मेटल्स भी होते हैं जो कोयले से निकलते हैं, और इनमें पार्टिकल मैटर 2.5 के साथ ब्लैक कार्बन भी होता है जो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। आगे बढ़ते हैं यूनिट 9 पर बेस्ड क्वेश्चन, जहां पर बिगेस्ट कोरल रेसिडिंग प्रोजेक्ट लॉन्चेस ऑन ग्रेट बैरियर रीफ, यानी कहने का मतलब है कि हम ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में बात करेंगे, जो दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ कहलाता है, एक कोरल कहलाता है, और यहाँ पर आजकल लॉस बहुत हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम उनको रिसाइडिंग यानी फिर से उनको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी ब्रीडिंग कराने की कोशिश कर रहे हैं और कोरल्स की संख्या बढ़ेगी। तो कैसे बढ़ाई जाएगी, क्या चीजें हम करने वाले, इसके बारे में बात करते हैं। साइंटिस्ट ने यहाँ पर एक लार्जेस्ट अटैम्प्ट, मतलब पूरी कोशिश की है
जो एंडेंजर्ड ग्रेट बैरियर रीफ है, एंडेंजर्ड मतलब खतरे के निशान पर आ चुका है आज ये, वहां पर हम मिलियंस ऑफ द क्रिएचर्स, एक्स वगैरह और स्पर्म्स वगैरह वहां पर स्पैनिंग करने वाले हैं। ओके और काफी हद तक अगर बात करें देर एनुअल स्पैनिंग करके हम क्या करने वाले हैं, वहां पर उनकी संख्या बढ़ाने वाले हैं। असल में होता क्या है कि जो कोरल के जो लार्वा होते हैं वो जनरली उनको जो एक्स वगैरह होते हैं उनको उस एरिया में हम फिर से लाएंगे जहां पे वो काफी हद तक कोरल ब्लीचिंग की वजह से, क्लाइमेट परिवर्तन होने से, वहां पर कोरल ब्लीचिंग होने से जिनकी मृत्यु हो गई है, और वहां पर हम उनके एक्स वगैरह और उनके जो स्पर्म वगैरह हैं जिनसे उनकी फर्टिलिटी वगैरह बढ़ती रहेगी उनको हम और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे। यानी कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि जहां पर कोरल का लॉस हो चुका है वहां उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को काफी हद तक बूस्टअप करके हम उनकी संख्या बढ़ाने की कोशिश करने वाले हैं। और आगे बात करते हैं सिग्निफिकेंस क्या है। ये पहली बार इस तरह का एक प्रोग्राम है जो बहुत बड़े स्केल पर लाया जा रहा है जहां हम इनके लार्वा को पुनः उत्पन्न करेंगे और उनको प्रॉपर वहां पर स्थापित करने की कोशिश करेंगे। कोरल जो होता है अगर हम बात करें दोस्तों तो तकरीबन ऐसा देखा गया है, एक बहुत बड़ा एक एरिया है, लगभग 2300 किलोमीटर तक का एरिया या 1400 माइल बोल लीजिए, जहां पर सी टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से इस ग्रेट बैरियर रीफ के पास कोरल्स की मृत्यु देखी गई है। यानी बहुत बड़ा हैजार्ड्स है जो तकरीबन 2300 किलोमीटर का एक स्ट्रेच एरिया है जो पूरी तरह से कोरल से भरा हुआ था, जहां पर कोरल रीफ्स का लॉस देखा गया है, जहां पर कोरल ब्लीचिंग के रूप में कोरल की मृत्यु हुई है। आगे बढ़ते हैं ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में थोड़ी बात करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला भी, आप वैसे भी अगर शुरू से पढ़ते आ रहे हो जानते होंगे दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ सिस्टम यहीं पर है। तकरीबन 3,44,400 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। जनरली जो कोरल जहाँ होता है, कोरल सी जिसको बोलते हैं हम, वो क्वींसलैंड के कोस्ट एरिया वाला एरिया है जो ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, वहीं पर आपको दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ देखने को मिलता है। कोरल्स के बारे में बात करें तो कोरल्स एक तरह के लिविंग जीव होते हैं और ये हमेशा ग्रुप में होते हैं, इसलिए कोरल को हम कोरल पॉलिप्स बोलते हैं। और उस ग्रेट बैरियर रीफ, उस एरिया को दोस्तों वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिसाइड किया गया था 1981 में। यानी कहने का मतलब है ग्रेट बैरियर रीफ एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। आगे बढ़ते हैं क्लाइमेट वल्नरेबल फोरम, यानी कहने का मतलब है क्लाइमेट में जो खतरे हैं उनको चेतावनी, उनकी जानकारी के लिए क्लाइमेट वल्नरेबल फोरम ऑर्गेनाइज होता है। अभी हाल ही में जो हुआ था वो मार्शल आइलैंड में हुआ था, और ये अगर यहाँ बात करें तो पहला इंटायरली ऑनलाइन हेड ऑफ गवर्नमेंट लेवल इंटर गवर्नमेंट मीटिंग हुई थी। ओके तो ऑनलाइन हेड ऑफ गवर्नमेंट लेवल इंटर गवर्नमेंट मीटिंग जो पहली बार हुई वो यही हुई मार्शल आइलैंड में। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं दोस्तों, इसके पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है कि 2020 का एक टारगेट बनाया गया है, कि क्लाइमेट टारगेट जो 2020 का है, और ये कोशिश की गई है कि जो टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, इस टेम्परेचर को हम 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा वार्मिंग नहीं होने देंगे। एक्चुअल में यहाँ पर इसको बहुत डिटेल में अगर हम जाएं तो IPCC एक बॉडी है जिसको हम बोलते हैं इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। यहाँ पर पूरी कोशिश की जा रही है कि 21st सेंचुरी तक ग्लोबल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहे या 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहे, इससे ज़्यादा ना बढ़े। अभी तक जो रिपोर्ट आ रही थी वहां पर बोला जा रहा था तकरीबन ग्लोबल टेम्परेचर एवरेज 4 to 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा है। तो बोले नहीं, इतना रखेंगे कि एटलीस्ट 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा ना हो, उस लेवल पर पहुंचाने की कोशिश करेंगे 2020 तक में। ऐसा टारगेट कह रहे हैं कि जिस लेवल पर हम कम करेंगे उस लेवल पर हम चीजों को बचाएंगे कि आगे ऐसा दिखे कि हम टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं बढ़ने देंगे। क्लाइमेट वल्नरेबल फोरम जो होता है एक अंतर्राष्ट्रीय कोऑपरेशन ग्रुप है जो विकासशील राष्ट्रों का है और ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को टैकल करने की कोशिश करता है, यानी जो चीजें या परिवर्तन हो रहे हैं उनको बचाने की कोशिश करता है। CVF क्लाइमेट वल्नरेबल फोरम को जो फंडिंग होती है, इट इज फंडेड बाय मालदीव गवर्नमेंट। जनरली 2009 के पहले UNCCC का जो कॉन्फ्रेंस है कोपेनहेगन में, उसके पहले ही इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ओके तो CVF वॉज फाउंडेड बाई नॉट फंडेड सॉरी फाउंडेड बाई जो लाया गया था वो मालदीव गवर्नमेंट द्वारा 2009 का जो UNFCCC का समिट था कॉन्फ्रेंस कोपेनहेगन, उसके पहले लाए। क्यों इसलिए, क्योंकि ये लाइन में बोल रहा हूँ 2009 के पहले लाया गया, क्योंकि 2009 के कोपेनहेगन जब समिट हुआ था UNFCCC का, वहां पर इसके बारे में अच्छी खासी डिस्कशन हुए थे। और यहां पर अगर बात करें तो अवेयरनेस यानी जागरूकता फैलाई गई थी दुनिया में इस तरह की दिक्कतें जो हो रही हैं ग्लोबल वार्मिंग वगैरह को लेकर उनके लिए। CVF जो होता है, ओके जिसको आप क्लाइमेट वल्नरेबल फोरम भी कहते हैं,
ये जो बनाया गया इसका मुख्य रीजन क्या था, जो इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस हैं वो अकाउंटेबल होंगे, जवाबदेही होंगे काफी हद तक जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए। यानी कहने का मतलब है, इसके बारे में काफी बात हो चुकी है कि जो डेवलप कंट्री होंगे, डेवलपिंग कंट्रीज की टाइम टू टाइम हेल्प करेंगे, और दो तरह की हेल्प करेंगे, एक तो फाइनेंशियल मदद करेंगे और दूसरा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे, जिसकी मदद से दुनिया में ग्रीन हाउस गैसेस इस तरह की दिक्कतों को कम किया जाए। अगर हम सीवीएफ की बात करें तो अफगानिस्तान, नेपाल और भूटान इसके मेंबर हैं, भारत इसका सिर्फ ऑब्जर्वर स्टेट्स है। आगे बढ़ते हैं, इंडिया गेट्स यूएन एनवायरमेंट अवार्ड। तो इंडिया को जो यूएन एनवायरमेंट अवार्ड मिला है वो किसको मिला है और किस लिए मिला है उस बारे में बात करते हैं। दोस्तों, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, अगेन आई रिपीट, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है, इसको 2018 का एशियन एनवायरमेंट एनफोर्समेंट अवार्ड दिया गया। और इसके पीछे जो मेन रीजन रहा है, उसके पीछे रीजन ये रहा है, जो ट्रांस बाउंड्री में इन्वायरमेंटल क्राइम होता है, यानी ट्रांस बाउंड्री इन्वायरमेंटल क्राइम मतलब होता है एक बाउंड्री से दूसरे बाउंड्री में, एक कंट्री दूसरे कंट्री में, या इस तरह की जो दिक्कतें हो रही हैं, यानी कहीं ना कहीं हम किसी वाइल्ड लाइफ जंतुओं के इधर से उधर ले जाकर उसको उसका विनाश कर रहे हैं, उस पूरे इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर रहे हैं, इस तरह की चीजों में भारत ने एक एक्सीलेंट काम किया है। और उस एक्सीलेंट काम करने के लिए भारत को वर्ल्ड लाइफ भारत के वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो को एशियन इन्वायरमेंट इन्फोर्समेंट अवार्ड 2018 से नवाजा गया है। WCCB जो है, वाइल्ड लाइफ कंट्रोल क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, ये अवार्ड जिस कैटेगरी इसको दिया गया, इस तरह के इनोवेशन के लिए दिया गया, खोज के लिए दिया गया, प्रयास के लिए दिया गया, इसलिए इसी कैटेगरी है दोस्तों, इनोवेशन कैटेगरी। WCCB को जो चुना गया है, इसको पूरी तरह से जो एडॉप्ट किया गया है, ये पूरी तरह से करेगा क्या, ये इन्फोर्स करने की कोशिश करेगा जो ट्रांसबाउंड्री इन्वायरमेंटल क्राइम्स हो रहे हैं, उनको बचाने की कोशिश करेगा, उनको रोकने की कोशिश करेगा। जेडएसआई का एक रिपोर्ट आया है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के फाना के लिए। फ्लोरा पौधों को कहते हैं और फाना जो होता है जंतुओं को कहते हैं। तो देखते हैं क्या रिपोर्ट ऐसा है जो कंटेम्पररी शूज में रहा है। एक रिसेंट जो पब्लिकेशन जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किया गया, जिसका नाम है फानल डाइवर्सिटी ऑफ बायोजियोग्राफिक जोन आइलैंड ऑफ इंडिया, ये पहली ऐसी कोशिश है जिसने एक डेटा दिया है और जहां से सारे जंतुओं यानी फानल स्पीसीज को जो अंडमान निकोबार एरिया में रहते हैं उनकी जानकारी मिली है। क्या जानकारी मिली है, इस आइलैंड में लगभग 0.25% पूरे इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया जो कवर करता है, यहाँ पे तकरीबन पूरे भारत में ऐसा कहते हैं 10% फाना यही मिलता है। यानी जो पूरे भारत का सिर्फ 0.25% एरिया कवर कर रहा है और उसका 10% पूरे भारत का 10% फाना यहीं पर मिल रहा है, तो बहुत ही काबिले तारीफ है। यानी इतना अच्छा डाइवर्सिटी है या वेजिटेशन या जो भी कह लीजिए, यहाँ पे एंडेमिक स्पीसीज जो पूरी दुनिया में सिर्फ यही मिलते हैं। हो सकता है आपके पेपर में यही प्रश्न आ जाए, इनमें से कौन कौन से ऐसे स्पीसीज हैं या प्रजातियां हैं जो सिर्फ अंडमान निकोबार एरिया में ही मिलती हैं, यानी एंडेमिक है। एंडेमिक का होता है इसी जगह पर स्पेशली होती हैं, लोकलाइज्ड होती हैं। एक तो नारकंडम हॉर्नबिल जो इस हैबिटेट में होता है, निकोबार मेगापोडे जो एक बर्ड है जो नेस्ट बनाता है, घोंसला बनाता है जमीन पर, जो कि अपने आप में बड़ा अनोखा सा कैरेक्टर है, क्योंकि बर्ड्स को आपने हमेशा घोंसला बनाते हैं, कहाँ देखा है, पेड़ों पर। निकोबार ट्रीसू की बात करें, स्मॉल मोल लाइक मैमल है। लॉन्ग टेन निकोबार मकाक जो है, ये भी यहीं का स्पेसिफिक एनिमल होता है। अंडमान डे गेको, ऐसे करके कुल 1067 एंडेमिक फानल स्पीसीज हैं जो सिर्फ अंडमान और निकोबार आइलैंड में पाए जाते हैं। तो ये एक लिस्ट है जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, इसको आप याद रखिएगा। मुझे अभी भी याद आ रहा है 2015-16 में एक प्रश्न आया, ऐसी कौन सी जगह है जहां पर एक बनाना मिला है और बनाना जो है उसका जो पील है वो येलो है ही है, छिलका अंदर की जो उसका जो फ्रूट है जो खाते हैं व्हाइट की जगह ऑरेंज है या येलो है। तो इस तरह के प्रश्न आपके पेपर में पूछे जा चुके हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा हैरान होने की बात नहीं है, ऐसे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन UPSC ने पूछा हुआ है। आगे बात करते हैं, SSV टू पेट्रोल दुधवा टाइगर रिजर्व। दुधवा टाइगर रिजर्व को, टाइगर को बचाने के लिए एक ज्वाइंट प्रोग्राम है जो सशस्त्र सीमा बल चला रहा है, दुधवा टाइगर रिजर्व में। तो इसमें होता क्या है, एक ज्वाइंट वर्क है जो दुधवा टाइगर रिजर्व और सशस्त्र सीमा बल मिलकर दुधवा के फॉरेस्ट एरिया में वहां की जैव विविधता को और रिच करने के लिए चला रहा है। एक तरह की एक सिक्योरिटी है वहां पे दी जा रही है। ये जनरली एक पेट्रोलिंग प्रोसेस है जहां पर रख रखाव करने की बात की जाएगी, जो SSB सहस्त्र सीमा बल, साथ साथ स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स और दुधवा टाइगर रिजर्व्स के जो फील्ड स्टाफ होते हैं, इसको रेगुलर इंटरवल पर मिलकर मैनेज करेंगे
और वहां पर टाइगर और डायवर्सिटी की जो लॉस है उसको बचाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर पूरी तरह से क्या है, एक इंटेलिजेंस मतलब बुद्धिमत्ता की बात करें, और एक इंफॉर्मेशन है यानी जानकारी है जिसको शेयर किया जाएगा जो डिफरेंट सिक्योरिटी एजेंसीज होते हैं उनके साथ, और वहां पर जो वाइल्ड लाइफ एक्टिविटीज हो रही है और साथ जो जो फॉरेस्ट में जो क्रिमिनल एक्टिविटीज हो रही है उनके द्वारा हम जंतुओं और जैव विविधताओं को बचाने की कोशिश करेंगे। दुधवा टाइगर रिजर्व पे कुछ इंफॉर्मेशन और है, मैं आपको बता दूं, दुधवा टाइगर रिजर्व जो ये जनरली उत्तर प्रदेश एरिया में पड़ता है जो लखीमपुर खीरी बहराइच डिस्ट्रिक्ट के एरिया को कवर करता है। दुधवा नेशनल पार्क का वो पूरा एरिया जो पड़ता है वो कहाँ कहाँ किस किस एरिया तक फैला है, उसमें एक तो दुधवा नेशनल पार्क खुद कवर होता है, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एरिया भी उसमें थोड़ा आता है, और कतरनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इस एरिया के अंदर आते हैं साथ साथ। अगर हम बात करें तो नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्री जो इसका है वो नेपाल के साथ भी टच हो रहा है। अब बात करते हैं कौन से ऐसे फॉनल डाइवर्सिटी है, जंतु हैं जो आपको दुधवा नेशनल पार्क में मिल जाते हैं, टाइगर पार्क रिजर्व में मिल जाते हैं। ये मैं सोचिएगा सिर्फ टाइगर कंजर्वेशन के लिए, टाइगर के लिए तो स्पेशली है, इसके अलावा यहाँ पे स्वैम डियर भी हैं, सांबर डियर भी हैं, बार्किंग डियर भी हैं, स्पॉटेड डियर भी हैं, हॉक डियर भी हैं, भारतीय रैनासोर भी हैं, स्लॉथ बियर भी हैं, रटल है, जैकल है, सीवट है, मलाबार सीवट वाले टाइप के जंगल कैट होते हैं, फिशिंग कैट होते हैं, ये यहाँ पर स्पेशली पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं, एक और फैक्चुअल डेटा है जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड टॉयलेट डे। वर्ल्ड टॉयलेट डे की बात करें दोस्तों, तो पहले तो वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसके द्वारा वर्ल्ड टॉयलेट डे हमने 2001 में ही घोषित कर लिया था, लेकिन बाद में हमने वर्ल्ड टॉयलेट डे जो अभी 2013 में जो डिसाइड हुआ था वो 19 नवंबर को यूएन जनरल यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ऑफिशियली डिजिग्नेट दिया गया, मतलब डिसाइड हुआ कि 19 नवंबर को हम विश्व टॉयलेट दिवस के रूप में सेलिब्रेट करेंगे, मनाएंगे, जागरूक करेंगे, लोगों को बताएंगे। यानी कहने का मतलब ये पूरा का पूरा वर्ल्ड टॉयलेट डे जो कोऑर्डिनेटेड है किसके द्वारा है, यूएन वाटर इन कोलेबोरेशन विद गवर्नमेंट्स एंड देयर ओन पार्टनर्स। सो यहाँ पर यूएन वाटर जो है वो काम करेगा, है ना, यूएन यूनाइटेड नेशन वाटर, और साथ साथ जो है इसके साथ कोलेबोरेशन में डिफरेंट गवर्नमेंट्स और उनके पार्टनर्स, अदर पार्टनर्स भी हैं। इवन वर्ल्ड टॉयलेट डे की बात करें दोस्तों, तो ये पूरी तरह से आपको पहले ही बोल दिया है, कंसेप्ट क्या है, अवेयरनेस फैलाना, लोगों को इंस्पायर करना, दुनिया में, सिर्फ इंडिया में नहीं, इवन पूरी दुनिया में ग्लोबल सैनिटेशन की जो क्राइसिस है, जहाँ पर टॉयलेट से शौचालय वगैरह की कमियां हैं, प्रॉपर इस तरह की दिक्कतें हैं, उनको हम नेग्लेक्ट ना करें, उनको पूरी तरह से हम सुरक्षित या कोशिश करें और उनको पूरा करने के लिए, इवन जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 तक जो टारगेट है दुनिया का जो अचीव करना है, जिसके बारे में एनवायरमेंट आपको बताया भी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसमें पूरी दुनिया को जो कहा गया कि एटलीस्ट एक सुरक्षित शौचालय यानी टॉयलेट हर किसी को दिया जाए 2030 तक, और पूरी दुनिया में हर किसी को सुलभ शौचालय इस तरह की जो चीजें हैं वो सबको मुहैया कराई जाए। तो ये वो इंफॉर्मेशन था जो नवंबर मंथ के करंट अफेयर्स में था, थोड़ा यहाँ करंट अफेयर इश्यूज में डेटा कम है, बाकी लास्ट में चलते चलते इस बुक्स को आप पढ़ लीजिएगा और कंसेप्चुअल पार्ट्स के लिए, और कंटेम्प्रेरी इश्यूज को आप मुझे सुन ही रहे हैं। सो थैंक यू एवरीबडी, अपना ख्याल रखिएगा। Have a good day.